विरोधी तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे कि आप लोग जो जबरदस्ती बूथ कब्जा करके वोट हासिल कर रहे हैं। देखिए चपरा बखारी बूथ में बैलेट बॉक्स कौन उठा के ले गया? जो पंचायत समिति का कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बैलेट बॉक्स उठा के लेके गया। वो हमारा शांति इलाका था, लेकिन ये जो चकलिया के प्राक्तन एमएलए, आज जो चकलिया में दो मर्डर हुआ है, कभी मर्डर नहीं होता था, जस्ट 18 के इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ था, एमपी इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ था, आपका एमएलए इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ, लेकिन ये चकलिया का प्राक्तन एमएलए जितना गंडगोल करवाया चकलिया में, आदमी का मर्डर करवाया चकलिया में, एक प्रधान का मर्डर करवा, दो सीसाबाड़ी हाट में मर्डर हुआ, ये चाकलिया के प्राक्तन एमएलए मर्डर करवाया है ये सब, उसके बाद ग्वाल फुगर में आकर के कुछ बूथ में जाकर के चाकलिया का प्राक्तन जाकर के बोलता है कि जहां पर हो तुम लोग बूथ कैप्चर कर लो, लड़ाई करो, वो खुद ऑर्डर करता है। देखिए आपका न्यूज एनएसएफ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ग्रास रूट में जाकर के कवरेज किए इलेक्शन के दिन, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए ग्वालपुकुर में हम लोग स्टार्टिंग से, जब नॉमिनेशन स्टार्टिंग हुआ तब से हम लोग बोलते हैं शांति बना करके आप लोग नॉमिनेशन कीजिए, शांति बना करके कीजिए। रहा सवाल, देखिए हम लोग कल भी बोले हैं कि शांति बना करके वोट कीजिए, शांति बना करके वोट कीजिए, लेकिन तब भी कुछ कांग्रेस का कैंडिडेट कुछ जगह हम लोगों के आदमी पर टॉर्चर किया है, तब भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए, हम लोग आदमी को बोले कि ठीक है आप लोग इलेक्शन शांति से कीजिए। जैसे कुछ कुछ बूथ में कांग्रेस का कैंडिडेट, यहां तक के जो कारी जमाल कालूमल भी बोलता है, वो बिहार से आदमी ला करके फायरिंग भी करवाया है बुराबारी बूथ में, हम लोग वो कांग्रेस का कैंडिडेट पंचायत समिति से उठा है, लेकिन तब भी हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन, पुलिस जाकर के वहां पर कंट्रोल किया, इसलिए मैं पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारा ग्वालपुर थाना को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग जहां जहां भी थोड़ा बहुत झड़प हुआ है, हमारा आईसी साहब काफी दौरा किए हैं सब प्रशासन को लेकर के और कंट्रोल भी किए हैं, इसलिए मैं हमारे पुलिस का भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं, और खास करके हमारे एसपी साहब का, एडिशनल एसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोग जहां जहां हम लोग बोले हैं कि थोड़ा झड़प हुआ है, थोड़ा बूथ में थोड़ा झगड़ा हुआ है, वहां पर उन लोग पुलिस का गाड़ी दौड़ाया है, इसलिए मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। और विरोधी तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे कि आप लोग जो जबरदस्ती बूथ कब्जा करके वोट हासिल कर। देखिए चपरा बखारी बूथ में बैलेट बॉक्स कौन उठा के ले गया? जो पंचायत समिति का कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बैलेट बॉक्स उठा के लेके गया, पुलिस जाकर के बैलेट बॉक्स कवर किया, रिकवरी किया, तो हम लोग कैसे किए? चपरा बखारी बूथ मेरा घर के पास है, एक किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है, गोलपुर के अंदर अगर सबसे ज्यादा मारपीट हुआ है तो वही पे हुआ है, चपरा बखारी में। आप बोलिए वहां पर हम लोगों के एजेंट को बाहर निकाल दिया चपरा बखारी बूथ से, उसके बाद बैलेट बॉक्स उठा के लेकर चला गया जिला परिषद का, उसके बाद हम लोगों को पता मिला, हम गए वहां पर जाकर के थोड़ा हल्ला फल्ला हुआ, थोड़ा मैंने हल्का फल्का झड़प हुआ, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर लिए, उसके बाद डीएसपी साहब आईसी साहब पूरा गाड़ी लेकर के पहुंच गए, उसके बाद माइक में ऐलान करके उस बक्सा को रिकवरी किया गया, उस बक्सा को ला करके प्रिजाइडिंग को दिया, पुलिस ला के दिया, तब भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए, कुछ नहीं बोले, कुछ कांग्रेस जैसे, हम तो ग्वालपुर हमारा शांति इलाका था, लेकिन ये जो चकलिया का प्राक्तन एमएलए, आज जो चकलिया में दो मर्डर हुआ है, कभी मर्डर नहीं होता था, जस्ट 18 के इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ था, एमपी इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ था, आपका एमएलए इलेक्शन में मर्डर नहीं हुआ, लेकिन ये चकलिया का प्राक्तन एमएलए जितना गंडगोल करवाया चकलिया में, आदमी का मर्डर करवाया चकलिया में, एक प्रधान का मर्डर करवा, दो सीसाबाड़ी हाट में मर्डर हुआ, ये चकलिया के प्राक्तन एमएलए मर्डर करवाया है ये सब, उसके बाद ग्वाल फुगर में आकर के कुछ बूथ में जाकर के चकलिया का प्राक्तन जाकर के बोलता है कि जहां पर हो तुम लोग बूथ कैप्चर कर लो, लड़ाई करो, वो खुद ऑर्डर करता है चकलिया का प्राक्तन एमएलए, इसलिए मैं पहले से बोल रहा था कि इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ दंगा लगाने का काम करता है, जैसे बीजेपी करता है वैसे चकलिया का प्राक्तन एमएलए किया है, कल इस तरह का दो तीन जगह के झड़प हुआ है, खास करके हमारे बोचागाड़ी बूथ में कांग्रेस का कैंडिडेट जाकर के हम लोग एजेंट को जाकर के निकाला था, लास्ट में पुलिस ले जाकर के एजेंट को घुसाया है बोचागाड़ी बूथ में, इस तरह दो चार बूथ का मिसाल है, लेकिन हम लोगों का मिसाल दे, कहां पर हम लोग बूथ एजेंट को निकाले हैं, एक भी मिसाल दे दे, हम लोगों का बात कोई नहीं बोल सकता है, हमारा खागर अंचल हमारा विपरीत में कांग्रेस का कैंडिडेट दिया है, जाकर के विपरीत एजेंट बन के बैठा, लेकिन विपरीत से हम लोग नहीं निकाले, विपरीत में कांग्रेस का एजेंट था कांग्रेस का, लेकिन अपना बूथ यहाँ पर मंत्री का बूथ मेरा बूथ, लेकिन तब भी हम लोग कुछ नहीं किए, कहाँ विपरीत से कोई झमेला हुआ करने दिया, पूरा तरह से एकदम आराम से वोट हुआ हमारा विपरीत में, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कुछ नहीं हमारा विपरीत में, हमारा अंचल में भी कहीं नहीं,
भी एक बूथ में जाकर देख लीजिए, खबर लीजिए, ग्रास रूट में जाकर के आप विरोधी वाला से भी सवाल कीजिए कि खागड़ांचल में कोई बूथ कैप्चर हुआ था क्या, नहीं बोल सकेगा। तो ये कुछ किया करवाया फ्रैक्शन एमएलए चापुलिया का, इसलिए दो जगह तीन जगह झड़प हुआ, लेकिन हम लोग कंट्रोल किए, हम लोग बोले कि शांति बना करके, जैसे 14 तारीख का नॉमिनेशन में यही कांग्रेस सब जाकर के झगड़ा लास्ट के दिन झगड़ा लगवाया था, गरम उन्हीं लोग करवाया था, हम लोग शांति बना करके बोलते हैं कि वोट कीजिए और शांति बना करके आप लोग रखिए। आज ही 2-3 जगह झड़प हो गया, हम लोग पुलिस भेज करके कंट्रोल करवाए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपुकर शांति इलाका है, हमारे ग्वालपुकर की जनता शांति है, ग्वालपुकर के पब्लिक शांति है, इसलिए ग्वालपुकर की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा ग्वालपुकर का जनता, ग्वालपुकर का जनता इन लोगों को जवाब दे दिया है, कांग्रेस को बीजेपी को जवाब दे दिया है, धिक्कार कर दिया है ग्वालपुकर का जनता, इन लोगों को कोई वोट दिया ही नहीं, इसलिए इन लोगों का माथा खराब हो गया है, अब खाली बस लड़ाई करो दंगा करो यही सब ऑर्डर करता है। आज कल इलेक्शन हो गया है, आज लड़ाई करने का क्या सबब है? आज भी उन लोग चाहता है कि 2-4 जगह लड़ाई हो, मर्डर हो, जैसे चकलिया में हुआ है, ये प्राक्तन एमएलए चाकलिया का मर्डर करवाया है 2-3 आदमी का, ये उन्हीं का काम है, इस तरह से पहले भी हुआ था जब सीपीएम का दौर था, गुती में मर्डर हुआ था सैफुद्दीन साहब का, वही उस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक था, एक कांग्रेस का नेता फॉरवर्ड ब्लॉक में था, इन लोग तो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है ना, इन लोग तो हरमात भाई है, इन लोग तो क्रिमिनल है, इन लोग पहले फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम में जाकर के मर्डर करवाया आदमी का, अब आकर के कांग्रेस का दामन पकड़ा है इन लोग और कांग्रेस में आकर के मातबरी शुरू कर दिया है, फिर तो ये मातबरी बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्वालपुकर का जनता, ग्वालपुकर जनता जानता है कि यहाँ पर हमारा मंत्री बहुत शांति मंत्री है, मिनिस्टर हम लोग का कोई नहीं, किसी को सबको डांटते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई जगह मना कोई दंगा नहीं होना चाहिए, हमारा मंत्री हर वक्त शांति रखने के लिए बोलता है, इसलिए हम मंत्री का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं, कल जो हम लोगों का जो कंट्रोल करके वोट कराया है इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं हमारे ग्वालपुकर को। कितना परसेंटेज वोट यहां पर कास्ट हुआ? यहां पर लगभग 80% वोट कास्ट हुआ है, 2-4 बूथ छोड़ के बाकी शांति से। हाँ, बाकी शांति से हुआ, 2-4 बूथ में झड़प हुआ है लेकिन कंट्रोल हो गया है, इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखा जा रहा है कि कल तो लगभग जो हुआ लेकिन आज कुछ जगह में जो इस तरह से हो रहे मारपीट का घटना, तो पुलिस प्रशासन का क्या भूमिका? नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा भूमिका लिया है, पुलिस प्रशासन जहाँ भी थोड़ा कुछ हो जाए मिलिट्री लेकर दौड़ता है, जैसे सोलपुरा में भी सुने, छगड़िया बस्ती में सुने, पुलिस जाकर के पहुंच गया है, जैसे दुहापड़ा में आपका पोखरिया अंचल दुआपुरा में अभी हम लोग सुने पांजीपुरा से हमारा पुलिस पहुंच गया है। हम लोग चाहते हैं ग्वालपुकर शांति रहे, ग्वालपुकर में कोई हादसा ना हो, इसलिए सभी से मेरा गुजारिश है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलेक्शन हो गया है और कहीं झमेला नहीं कीजिएगा और कहीं गंडगोल नहीं कीजिएगा, इन लोगों के बात में नहीं आएगा। कुछ आदमी चाहते हैं कि ग्वालपुकर को बदनाम किया जाए, मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब का नाम को बदनाम किया जाए, ये चाहता है इन लोग, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं कुछ बूथ में झमेला नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी गंडगोल करेगा हम लोगों का लोग या कोई लोग हो, लेकिन प्रशासन प्रशासन के हिसाब से काम करेगा।